तुम्हारी प्रिंसिपल किसी को तंग नहीं करेगी। लेकिन कैप्टन अंकल, आपने मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर ली है, लेकिन नेहा की ख्वाहिश वो भी तो आपको पूरी करनी है ना। हाँ मुझे मालूम है, मुझे नेहा की भी एक विश पूरी करनी है। बोलो क्या विश है। तो अंकल आप मेरी भी ख्वाहिश पूरी करेंगे? ऑफ कोर्स। तो आप मेरे पापा को वापस ले आओ। नेहा, शीला, तुम नेहा और करण को अपने कमरे में ले जाओ। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे उनके बहुत याद आती है। बेटा, अगर ये मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करता, लेकिन जहां तुम्हारे पापा है ना, वहां मैं भी नहीं पहुंच सकता। मैं मजबूर हूं बेटा, I'm sorry। पहली बार लगा कि आप अखरू और खड़ूस नहीं है। क्या आप ही हमारी तरह सोचते हैं? क्या आपको भी हमारी तरह दर्द का एहसास होता है? जिस्म की मौत हो जाने से एहसास नहीं मर जाते मैडम। अगर आप पूरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपकी मौत कैसे हुई? मौत? मेरी मौत एक हादसा था। 3 साल हो गए लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। एक दिन बारिश हो रही थी, मेरी कार खराब हो गई। मैं लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। अचानक मैंने देखा सामने से एक कार आ रही है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या हुआ, मैं कहाँ था, और फिर थोड़ी देर बाद भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं दिखाई नहीं, मेरी आवाज नहीं सुन रही आप? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं भाई, आप लोगों से बात कर रहा हूं। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही आप लोगों को? कहां जा रहे हैं आप लोग, सुनिए तो सुनिए। लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं मर चुका था। ये तो मैं हूं। कौन है? इस सवाल के कई जवाब हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे सृष्टि का सृजनहार कह सकते हो, या वो कुदरत भी समझ सकते हो जिसके हाथ में इस संसार चक्र से लेकर काल चक्र की डोरी है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय रोशनी के, चारों तरफ रोशनी रोशनी है। मेरा कोई एक रूप नहीं है, मैं हर रूप में हूँ, हर जगह में हूँ। और मेरा रूप तुम अभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हें इस लोक में नहीं आना है, तुम्हें वहीं पृथ्वी लोक में रहना है। पर क्यों? अब तो मैं मर चुका हूं। तुम भले ही मर चुके हो, पर तुम्हारी आत्मा सदा जीवंत रहेगी, क्योंकि तुम एक अच्छी और नेक आत्मा हो। तुम्हारा नीचे रहना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हें अभी कुछ काम करने बाकी है। लेकिन बिना शरीर के एक आत्मा जिसे कोई देख नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकती, उसे यहां पृथ्वी में क्या करना है?
वो कौन सा कार्य है वो वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। और रही बात कि तुम क्या कर सकते हो, तो लो ये मणि। ये मणि ही तुम्हारी शक्ति है, इससे तुम जो चाहो वो कर सकते हो। पर इसका प्रयोग सोच समझकर ही करना, इसे अपने से कभी दूर नहीं रखना। आगे तुम खुद ब खुद जान जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। अलविदा। पता नहीं इस मनी को लेकर मुझे कौन सा काम करना है।